सभी को पता है कि कनाडा इमिग्रेशन टाइम टू टाइम नई अपडेट्स लेकर आता रहता है। आज के वीडियो में बात करेंगे कनाडा के एक वर्क परमिट के बारे में जो आने वाले दिनों में कनाडा इमिग्रेशन इंट्रोड्यूस कर सकता है। क्या है वो वीजा, कौन से लोग अप्लाई कर सकेंगे, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, इफ यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो फॉर अ वेरी फर्स्ट टाइम, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस ऑन दी बेल आइकन, बिकॉज हमेशा कोशिश करता हूँ एक जेन्युइन, एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ। किसी भी तरह की वीजा फाइलिंग में आपको क्या हेल्प चाहिए, अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि आने वाले कुछ ईयर्स में कनाडा की जो पॉपुलेशन है, काफी ज्यादा पॉपुलेशन रिटायर होने वाली है। इसको देखते हुए कनाडा टाइम टू टाइम नए चेंजेस करता रहता है। रिसेंटली कनाडा ने इमिग्रेशन जो प्लान लेकर आया है, ठीक है, 4 लाख प्लस इमिग्रेंट्स का, जिसके हिसाब से वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट डिफरेंट वीजा रेशियोस इशू करेंगे, जो कि अपना जो इमिग्रेशन का सेक्टर है उसको एक लेवल पर कह सकते हैं कि बना के रख सके। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एक प्रपोजल के बारे में, जैसे हर एक प्रोफेशन की कमी रहती है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, और 21st सेंचुरी में अगर एक चीज देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो प्रोफेशन कंसिडर किया जाता है वो है टेक इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, कनाडा में जो लेबर शॉर्टेज है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, राइट, क्योंकि COVID-19 ने हिट किया है हर एक चीज को, चाहे वो इंडिया है चाहे वो कनाडा है। आने वाले दिनों में कनाडा की जो कैनेडियन काउंसिल है, ठीक है, वहां के इनोवेटर्स की, वो प्लान कर रही है कि कनाडा गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करे एक स्पेशल प्रोग्राम उन टेक स्पेशलिस्ट के लिए, जो कि हो सकते हैं जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ठीक है, डाटा साइंटिस्ट है, ऐसे प्रोफेशंस को कनाडा अलाउ करे कि वो कनाडा में आ सके और कैनेडियन जो कंपनीज है, ठीक है, उनमें अपना जो कैपेबिलिटी है, अपना जो वर्कफोर्स है वो दे सके। और कनाडा की जो ये काउंसिल है वो ये चीज चाहती है कि कनाडा इस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करे, बट ये प्रोग्राम जॉब ऑफर के बिना होना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे का कारण ये है कि जॉब ऑफर एक लेंथी प्रोसेस होता है जिसमें जो टैलेंट है वो तो वेट करता ही करता है, कंपनीज भी वेट करती है। जैसे एक ग्लोबल स्किल प्रोग्राम के बारे में आपने सुना होगा कनाडा का, ठीक है, एक फास्ट ट्रैक प्रोग्राम है जिसके बिहाफ पर अगर आप में कोई ऐसी स्किल है जो कैनेडियन कंपनीज को, ठीक है, जैसे कैनेडियन गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू आप जनरेट करवा सकते हैं, स्पेशल स्किल्स है आपके पास, तो आप कनाडा वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं और आपकी जो प्रोसेसिंग है वो भी 2 वीक्स में हो जाती है। अगर आपका जो प्रोफेशन है, जो आपकी कह सकते हैं एक ओवरऑल प्रोफाइल है, उनको जो पसंद आती है, तो आने वाले दिनों में कनाडा इस प्रोग्राम के ऊपर वर्क कर रहा है। दूसरी चीज ये, कौन सा लोग अप्लाई कर सकेंगे, जिन लोगों के पास अच्छी स्किल्स होगी, राइट, जिनके पास एक्सपीरियंस होगा, वेल एजुकेटेड होंगे, यहां पर ये भी चीज देखने वाली होगी, बहुत सारे लोग वो भी अप्लाई कर सकेंगे इंट्रा कंपनी ट्रांसफर में, क्योंकि टेक सेक्टर की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है दुनिया के किसी भी हम कंट्री में, देखिए जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था। और यूजली ये प्रोग्राम वो बना रहे हैं, यूके गवर्नमेंट ने लास्ट कुछ ईयर से एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था जिसके बिहार पर यूके में एम्प्लॉयर चाहते हैं, ठीक है, और जो लोग वहां पर जाते हैं काम करने के लिए, उनको जॉब ऑफर की जरूरत नहीं होती, उनको कुछ समय के लिए वो हायर करते हैं, ठीक है, और उसके बाद उनको आगे आगे वो एडजस्ट करते रहते हैं। कनाडा भी इसी तर्ज के ऊपर एक प्रोग्राम बनाना चाहता है और उसका जो बेनिफिट होगा उसके साथ साथ वो ऐसा नहीं है कि आपकी स्किल को यूज किया और आपको वापस कर दिया, नो, उन्होंने जो काउंसिल है उन्होंने ये भी चीज रखी है गवर्नमेंट के आगे कि दैट आप जॉब ऑफर के बिना तो अलाउ कीजिए, उसके बाद उनके लिए ऐसे पाथवे भी बनाए जिसके कारण वो कनाडा में सेटल भी हो सके और उनकी जो स्किल्स है उनका पूरा एडवांटेज हम ले सके। तो आने वाले दिनों में कनाडा कब इस चीज को इंप्लीमेंट करता है, होप सो ये 2022 की लास्ट में हो सकती है, 2023 की स्टार्टिंग में हो सकती है, बट यहां पर एक चीज जरूर है कि इम्पोज डेफिनेटली होगी। कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने भी कहा था कि हमें नई स्किल्स की जरूरत है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो चैलेंजेस आने वाले हैं, ठीक है, इमिग्रेशन सेक्टर में या हर एक इंडस्ट्री में, इसको देखते हुए अगर लेबर शॉर्टेज कंप्लीट करनी है देन डेफिनेटली उनको जो मोर सो मोर वर्कर चाहिए। ये जरूरी नहीं कि टेक सेक्टर में चाहिए, उनको वर्कर जो और भी नॉक कोर्स है जिनमें कम इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, जैसे फिशिंग होगी बहुत, और आप सभी को ये चीज भी पता होगी कनाडा ने रिसेंटली एक चीज इंट्रोड्यूस की है जिसमें जैसे एक जो वहां का एम्प्लॉयर है उसके पास पहले लिमिट होती थी कि 10% वो फॉरेन वर्कर हायर कर सकता था, राइट, बट नए जो रूल्स इंपोज हुए हैं उस हिसाब से वो 30% फॉरेन वर्कर हायर कर सकता है। यहां पर ये चीज बहुत खास हो जाती है क्योंकि कनाडा इस चीज को भी इंक्रीज कर रहा है। अगर वहां पर
पहले 10 लोग काम करते थे उनमें से सिर्फ एक ही फॉरनर वर्कर होता था, बट अब नई जो टेक्निक आई उसके हिसाब से, जो नया प्रोग्राम आया उसके हिसाब से 10 लोगों में से वो 3 लोग फॉरनर हायर कर सकता है। आने वाले दिनों में टेक वाले लोगों को कहना चाहता हूं कि अपना एक्सपीरियंस बनाते रहे, कैनेडा जब भी ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करेगा आप लोगों के लिए डेफिनेटली ये प्रोग्राम बेनिफिशियल होगा। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन। दूसरी चीज ये कि इसमें इंग्लिश की एलिजिबिलिटी भी जॉब के हिसाब से होगी, ये नहीं है कि ज्यादा हाई स्कोर होंगे, और इसके लिए डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म है, जो डिफरेंट एक पाथवे है, कह सकते हैं कि सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, आने वाले दिनों में वो डिस्क्लोज डेफिनेटली होगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन। थैंक यू।